बाहरी दिल्ली के अलीपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 70 लाख का ड्राई फ्रूट चोरी कर बेचने वाले बदमाशों को दिल्ली व राजस्थान के कोटली में किया गिरफ्तार। अलीपुर थाना पुलिस कर रही है इस मामले की गंभीरता से जांच। अलीपुर इलाके के नेहरू इनक्लेव से जयपुर जाने वाली ड्राई फ्रूट से भरा टेम्पो जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए थी, उस माल को आइफर कैंटर टेम्पो में लोड कर ड्राइवर आरोपी मुकेश कुमार मीणा की चोरी कर जयपुर से पहले राजस्थान के कोटपुतली में अपने दूसरे साथी माल राम, जिस पर पहले से ही आपराधिक 9 मुकदमे दर्ज और राजस्थान से मोस्ट वांटेड था, उसने ड्राई फ्रूट से भरी हुई आइफर कैंटर टेम्पो को ठिकाने लगाने के लिए छोड़ा। जयपुर ड्राई फ्रूट से भरी गाड़ी नहीं पहुंचने पर टेम्पो मालिक के टेम्पो ड्राइवर मुकेश कुमार मीणा पर टेम्पो चोरी कर ठग जताते हुए सूचना अलीपुर थाना में दे दी। अलीपुर थाना पुलिस ने मामले दर्ज करते हुए इस मामले की जांच गंभीरता से करी। अलीपुर थाना पुलिस ने जिसमें AFI पवन कुमार, HP प्रदीप तोमर, HP नवीन कुमार, HP रणजोत को नियुक्त किया गया था। टीम में गठित किए गए पुलिस ने तेज तवरार जवानों ने तीव्रता दिखाते हुए कई जगहों पर छापेमारी करते हुए आरोपी टेम्पो ड्राइवर मुकेश कुमार मीणा को पादली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर मुकेश कुमार मीणा पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने ड्राई फ्रूट से लोड आइफर कैंटर टेम्पो को अपने साथी माला राम को चोरी का माल बेचने के लिए सौंप दिया। पुलिसकर्मी AFI पवन कुमार, HP नवीन मान, HP प्रदीप तोमर, HP रणजोत ने बहादुरी व सूझबूझ से ड्राई फ्रूट से भरी चोरी हुई टेम्पो में लगे GPS के माध्यम से टेम्पो की लोकेशन ट्रैक कर कोटपुतली राजस्थान में कई जगहों पर छापेमारी की और दूसरे आरोपी मालाराम को गिरफ्तार किया। चोरी हुआ माल भी टेम्पो समेत बरामद कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी मालाराम पहले से ही 9 मुकदमे दर्ज। मालाराम चोरी के माल खरीदने व बेचने का काम करता है। अलीपुर थाना पुलिस के जाबाज पुलिसकर्मियों ने बहादुरी दिखाते हुए 70 लाख रुपए के माल की चोरी की बड़ी वारदात को सुलझाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखाया।